लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे। आज मैं बात करूंगा तवक्कुहात के हवाले से, एक्सपेक्टेशन के हवाले से। कुछ सवालात आपके सामने रखता हूं और आप जरूर इसका जवाब दें कि क्या तवक्कुहात एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए या नहीं। अगर हमारी तवक्कुहात पूरी ना हो तो फिर क्या होगा? क्या तवक्कुहात से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं या रिश्ते टूट सकते हैं, या तवक्कुहात से हमारी जिंदगी मुश्किल बन सकती है या नहीं? अगर माँ बाप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपने हर हाल में डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और फील्ड में आगे जाना है, और खुदा न खास्ता अगर वो बच्चे कल डॉक्टर या इंजीनियर ना बने या किसी और फील्ड में आगे नहीं जा सके, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे वाकयात हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बच्चों ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्यों? अपने माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन तवक्कुहात थी उस पर पूरा नहीं उतरे थे। तो क्या ऐसे एक्सपेक्टेशन, ऐसे तवक्कुहात अपने बच्चों से होने चाहिए या नहीं? मियां बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़े इन्हीं की वजह से होते हैं। बीवी अपनी शौहर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, इसी तरह शौहर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन तवक्कुहात पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हर फर्द तवक्कुहात के जिद में है, इसलिए हम मामूली मामूली चीजों पर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मामूली मामूली चीजों पर परेशान हो जाते हैं, मामूली मामूली बात को दिल पे लेते हैं, दिमाग में बिठा देते हैं और सारा दिन उसी पे सोचते रहते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, तजुर्बा है, लोगों से मिलता हूँ, लोग अपने मसाइल मुझसे शेयर करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा तवक्कुहात रखते हैं एक दूसरे के साथ। और जब तवक्कुहात के साथ एक लफ्ज लग जाए जरूरी कि ये शख्स मेरे तवक्कुहात पर जरूर उतरेगा, ये मेरे तवक्कुहात को जरूर पूरा करेगा, अगर पूरा ना करे तो यकीन जाने आप खुद भी परेशान हो सकते हैं और जिससे आप तवक्कुहात रखते हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। आज से हम एक कमिटमेंट कर ले कि हम इस चीज को थोड़ा नॉर्मल कंसिडर करेंगे, ये जरूरी का लफ्ज इसको हटाएंगे, बल्कि ये एक कमिटमेंट कर ले कि जितना मुझसे हो सकता है मैं दूसरों के साथ अच्छा हो सकता हूँ, दूसरों के साथ भलाई कर सकता हूँ, दूसरों का हेल्प आउट कर सकता हूँ, दूसरों को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, इनकरेज कर सकता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ, दूसरों के लिए जितना मुझसे हो सकते मैं करूँगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, मैं तवक्कुहात नहीं रखूँगा कि वाकई वो बंदा भी मुझसे उसी तरह करेगा। अगर हम इस चीज को हाथ से अवॉइड करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ हम जहनी दबाव, जहनी परेशानी और बहुत सारे मसाइल के शिकार नहीं होंगे, हमारी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी होगी। आखिर मैं इतना कह दूं कि अल्लाह हम सबको हर तरह की परेशानियों से दूर रखे, आमीन। अपने आप का और अपने गिर्द नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखे। टेक केयर, बाय बाय।